आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली की काफ़ी लंबी मूंछें होती हैं जिन्हें विस्कर्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर बिल्ली को मूंछें क्यों होती हैं? तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज आप रोजाना देख सकेंगे। बिल्ली की मूंछें पुरुषों की मूंछों की तरह नहीं होती है। बिल्ली की मूंछें संवेदनशील होती है। उनकी मूंछें सेंसर का काम करती है और ऐसे ही लंबे बाल उनके आंखों के ऊपर और आगे के पैरों पर होती है और इन्हीं लंबे बालों को विस्कर्स या वाइब्रिस कहा जाता है। बिल्ली के शरीर के नरम बाल के तुलना में यह लंबे मूंछें त्वचा के अंदर काफ़ी गहराई में धंसे होते हैं और यह बाल त्वचा के अंदर संवेदनशील पेशी और नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं जो आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी भेजने का काम करते हैं। इन्हीं लंबे बालों की वजह से उन्हें आसपास के वातावरण का पता चलने में मदद मिलती है। बिल्ली अपने लंबे बालों को किसी वस्तु पर घिसने से अंधेरे में भी वस्तु के सटीक स्थान, आकार और बनावट का पता लगा सकती है। बिल्ली अपनी मूंछों से किसी तंग जगह के आकार का भी पता लगा सकती है। साथ ही बिल्ली अपनी मूंछों से हवा के धाराओं के बदलाव का भी पता लगा सकती है जिससे बिल्लियों को खतरे का पता लगने में मदद मिलती है। साथ ही उनके मूंछे की स्थिति से हम बिल्ली के मनस्थिति का भी पता लगा सकते हैं। अगर बिल्ली की मूंछे चेहरे पर पीछे की बाजू पर खींच जाती है तो इसका मतलब है कि बिल्ली कोई खतरा महसूस कर रही है। बिल्ली अंधेरे में भी मूंछे के द्वारा अपने आसपास के वातावरण का पता लगा सकती है। यानी ओवरऑल बिल्ली की मूंछे आसपास के माहौल की जानकारी देने वाले सेंसर का काम करती है। लंबे मूंछे सिर्फ बिल्ली को ही नहीं होती है, कई सारे जानवरों को लंबी मूंछे होती है जैसे कुत्ता, चूहा, बाघ, सिंह और कई सारे जानवर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।